2024 के तहत मंथन बैठक करने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे। इस दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ईडी की कार्रवाई को लेकर जारी घमासान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी के खिलाफ राजनीतिक मंशा से कार्रवाई करना गलत है। यही वजह है कि देश की जांच एजेंसियों से आम लोगों का भरोसा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन देश की जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रहकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों को भी काफी गंभीर बताया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन एजेंसियों को स्वतंत्र रहकर काम करने की जरूरत है। ये सोचना कि ईडी हो या सीबीआई हो, लोगों का विश्वास, देखो कोई भी क्राइम होता है जिसमें माँ बाप समाज दुखी है, उनकी आखिरी ये भी होती है कोई आप सीबीआई से, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे को इनके मापदंड ऐसे होने चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि किसी राजनीतिक दल को या किसी राजनेता को सिर्फ इसलिए कि उसको दबाव डालने की प्रक्रिया कर रही है कि सारे देश में ये हो गया कि अब कांग्रेस को वोट नहीं देने। तो कोई ऐसा जो जन प्रिय कोई बात होती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, और जनता जिसको रिजेक्ट करती है कि यार ये तो बहुत गलत है, तो उसका फिर परिणाम दूसरे तरीके से आने शुरू हो जाते हैं, लोग नाराज़ होते हैं।